हम लोग भी बात करने वाले हैं काफी MBA अच्छी फील्ड होती है, अभी फोकस करते हैं सिर्फ 12th के मार्क्स में, और त्याग किया था कि नहीं 12th में फोकस जो कि पढ़ाई करनी है, तो कॉलेज में आके लग रहा था कि यार मैं 11th तक भी स्कूल में बहुत डिसीजन था आपका, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके थॉट प्रोसेस थे उस टाइम पर शुरू के डिसीजन। ओके ओके, तो उसमें मुझे आपको पता नहीं कि आपको पेपर कैसे मोस्ट ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी, तो फिर हमें कोई पर्पस नहीं रह गया था ओवर एंड करना। हां जी, तो फिर मैं बिकॉज बाकी सारे जो कर रहे थे उस दौरान आपका एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी वाली आई थी कि 4 साल का गैप है। यस, और आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट हो रही है। तो मेरे तो मतलब आई थिंक 2000 कुछ आई थी जितना मुझे याद है, और उन्हें सेलेक्ट करने मेरे 2 इंटरव्यूज थे। हाँ। एक मतलब 24 घंटे का गैप थी कि उन्होंने विद इन 1-2 घंटे में ना बता दिया था कि आप नहीं सेलेक्ट हुए मेल में। कितना देर, 40 मिनट्स चला था वो। ओके ओके, और अच्छा गया, मतलब मुझे ग्राउंड पे भेजा गया था, मतलब एग्जाम से निकल 95 कुछ किए थे 22 में। हाँ, वेरी गुड। हाँ, उस टाइम पे देख के भी गई थी मैं ऐसी वीडियो में, 4 साल या 5 साल के स्कोप है, क्योंकि इसमें कोई स्पेशलाइजेशन तो चाहिए नहीं पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में, अदर जॉब्स में भी मिल सकता है उसको, बड़ी क्या कर सकते हो, मतलब आप मतलब अपना स्किल बेसिस पे आप, ऐसा वाला सीन था। तो अभी बट मेरा क्या हुआ कि कुछ बुराई तो है ही नहीं, इसको बैलेंस करती रहो, बट जॉब कम्स फर्स्ट, तो ना उसको मुझे प्रेशर फील होता है, मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स सही रहता है करती है, ऐसा मैंने खुद से देखा है ऐसे बच्चों में ये चीज होते हुए, दे रहे हैं रूम भी देंगे सब देंगे तो ये तो क्लियर कर ही लेगा, तो एक उनमें तो फिट फायर में कि डू यू रिग्रेट लीविंग यूपीएससी प्रिपरेशन राइट नाउ।